बजट से पहले कुछ चीजों को लेकर खासी चर्चा रहती है। इनमें से एक है 80C। आयकर कानून में उपलब्ध डिडक्शंस में सेक्शन 80C सबसे सामान्य है। टैक्स सेविंग के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके जरिए कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके उस पर डिडक्शन ले सकता है। ये रकम व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम से घटा दी जाती है, जिस वजह से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। लिहाजा उसी रेशियो में टैक्स देनदारी घटती है और साथ ही निवेश पर आपको रिटर्न भी मिलता है। अब जानते हैं 80C के तहत आने वाले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। 80C का लाभ लेने के लिए टैक्सपेयर्स को खास तरह के निवेश विकल्पों में निवेश करना होता है। इनमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 ईयर टैक्स सेविंग FD, यूलिप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन की मूल रकम का रीपेमेंट प्रमुख है। बच्चों की ट्यूशन फीस का खर्च भी 80C में कवर होता है। इन डिडक्शंस का लाभ पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर ही मिलता है। आइए देखते हैं कब से 80C की 1.5 लाख की लिमिट नहीं बढ़ाई गई। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत हर साल अधिकतम 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता था। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया और तब से लेकर अब तक करीबन 8 साल से इस लिमिट में बदलाव नहीं किया गया है। लंबे समय से 80C डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। आगामी बजट से पहले फिर से इसने जोर पकड़ा है। आखिर ये मांग क्यों की जा रही है और इससे फायदा क्या होगा, इस पर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने प्री बजट मेमोरेंडम 2023 में 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर बजट में 2.5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया है। ऐसे में आम आदमी की सेविंग बढ़ेगी और महंगाई की रफ्तार को देखते हुए ये कदम जरूरी भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल बताते हैं कि सरकारी कर्मचारी समेत आम आदमी के लिए सेक्शन 80C अच्छा डिडक्शन है, लेकिन सरकार एग्जम्पशन और डिडक्शन हटाने के मूड में है। सरकार की मंशा है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हों, शायद इसलिए 80C की लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर सरकार नई के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था को बरकरार रखती है तो उसे 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करना चाहिए या फिर इसे इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ देना चाहिए। रावल बताते हैं कि 80C के तहत आने वाले निवेश के विकल्प काफ़ी पुराने हैं, जबकि कई नई इन्वेस्टमेंट स्कीम आ चुकी हैं। ऐसे में महंगाई को देखते हुए 80C में कुछ और भी विकल्प जोड़े जाने चाहिए।